ईडी आए तो बोल देना ईमानदार नेता केजरीवाल की तबीयत खराब है 2 साल के लिए, अब नहीं चलेगा कोई बहाना, आज 18 तारीख है, ईडी दफ्तर है, जाना उठो केजरीवाल, उठो सच का सामना करो, अपनी कट्टर ईमानदारी का सबूत दो। शराब घोटाले में तलब किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय के समन को दरकिनार कर दिए हैं। ईडी के चौथे समन को दरकिनार करते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक गोवा निकलने का प्लान बना चुके हैं। वे अगले 3 दिन तक गोवा में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों को परखेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के एजेंसी के सामने पेश होने की संभावना नहीं है, क्योंकि उनका 3 दिवसीय दौरे पर गोवा रवाना होने का कार्यक्रम है। इससे पहले केजरीवाल 11 जनवरी को गोवा के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली की तैयारियों की निगरानी के लिए उन्होंने इसे टाल दिया था। केजरीवाल के दफ्तर के एक अधिकारी ने बताया, पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक अरविंद केजरीवाल गुरुवार को गोवा निकलने वाले हैं। अधिकारी ने यह भी जोड़ा कि मुख्यमंत्री होने के साथ ही वे आम आदमी पार्टी के प्रमुख भी हैं और गोवा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की तैयारियों का जायजा लेना है। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल को हर बार आर्थिक जांच एजेंसी ईडी के समन पर एक नया बहाना बनाते देखना चौंकाने वाला है। वे कानून की रस्सी से बचकर आर्थिक भगोड़े की तरह व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन कानून जल्द उन तक पहुंच जाएगा। जिस दिन ईडी उनके टालमटोल करने वाले व्यवहार पर कड़ा संज्ञान लेगी, आम आदमी पार्टी पीड़ित कार्ड खेलना शुरू कर देगी। बुधवार को एक कार्यक्रम में पहुंचे केजरीवाल ने ईडी के समन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि कानून के तहत जो भी जरूरी होगा वह हम करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि वह ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के सूत्रों से जो संकेत मिले हैं उससे यही लग रहा है कि जब तक ईडी अरविंद केजरीवाल के सामने यह स्पष्ट नहीं करती कि उन्हें किस हैसियत से पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और लिखित में सवाल भेजकर उनका जवाब लेने के लिए पूछताछ के लिए उनके व्यक्तिगत तौर पर पेश होने पर जोर क्यों दे रही है, तब तक सीएम ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी के रवैये को देखते हुए आम आदमी पार्टी कानूनी तौर पर सीएम के बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। गुरुवार से अरविंद केजरीवाल गोवा के 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ऐसे में संभावना यही है कि सीएम की तरफ से ईडी को समन का लिखित जवाब भी भेजा जाएगा। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए पहले भी ईडी ने तलब किया। इस पर अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने पहले जो समन का जवाब दिया था उसमें कहा था कि वे हर कानूनी समन मानने को तैयार है। ईडी के समन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया था। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।